वेरी बॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एम निरुपमा और जैसे कि आप uh, टाइटल से देख रहे हैं दैट वी हैव टू हील मदरहुड टेम्पलेट आज मैं इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट इसके लिए मैं कुछ uh, अपने यू नो माय पर्सनल एक्सपीरियंस है या पर्सनल जर्नी है आई विल स्टार्ट फ्रॉम देर एंड वाई आई डिसाइडेड टू डिस्कस विद यू ऑल टूडे विल गो थ्रू इट जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया कि मेरी जो ट्विन फिल्म जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी टू थाउजेंड एंड टेन में मींस आई मेट माई डिवाइन काउंटर पार्ट फर्स्ट टाइम इन टू थाउजेंड एंड टेन वेर एज अगर हम देखें तो जो जो भी ट्विन फिल्म जर्नी में है उनकी जर्नी चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाती है उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है और यही वजह है कि हम इस तरह की फैमिलीज uh, को सेलेक्ट uh, करते हैं इस तरह की सिचुएशंस को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर जो भी हमारे लेसन्स हैं हमारी सोल के लिए लर्न करने के लिए और जो भी टेम्पलेट्स हैं हील करने के लिए uh, उनको एड्रेस किया जा सके दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल इन ट्विन फ्रेम जर्नी हैव वेरी ट्रोमैटिक childhood anyways back to uh, today's point i met my divine counterpart in 2010 and us time agar age wise i was in my late 40s and he was in his early 40 he was unmarried at that time जो कि इंडियन सोशल नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ही अनयूजअल है क्योंकि यहां पर हम शादियां भी इस हिसाब से देखते हैं कि आपकी एज क्या है और एक पर्टिकुलर एज मानी जाती है कि वहां पर शादी हो जानी चाहिए एंड आई वॉज इन अ सिचुएशन वेर आई वॉज डिवोर्स फ्रॉम माई हजबेंड एंड अ सिंगल मदर ऑफ टू किड्स नॉट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस जर्नी एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन पॉज जब uh, उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि हाउ कैन वी बीट टुगेदर बिकॉज आई एम आर डिवोर्स नियरली एट नाइन ईयर्स ओल्डर देन यू विद टू किड्स और उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो शादी नहीं करना चाहते एंड द वे ही फील्स फोर मी इट नेवर हैपन बिफोर ही हिमसेल्फ डिट नो What it is. Anyway, we came closer, we understood the feelings. Still, I didn't know about this journey, but I understood the feelings in between us. Time passes. In 2014, suddenly he declared, very slyly though, <laughs> कि ही हैज़ टू गेट मैरिड क्योंकि उनकी जो मदर हैं वो बहुत उनको प्रेशराइज कर रही हैं फैमिली बहुत प्रेशर डाल रही है कि अगर बच्चे नहीं होंगे तो वंश आगे कैसा चलेगा एंड ऑल दैट वी नो हाउ इट इज इन इंडियन फैमिलीज इंडियन सोसाइटी अब मुझसे शादी नहीं हो सकती क्योंकि वहां सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगी क्वाइट पॉसिबल कि अब बच्चे भी पैदा नहीं हो सकते और वजह की बात यह थी कि जब ये सब हो रहा था उससे थोड़े दिन पहले ही माई मास्टर्स व गाइडिंग में आई वो सिंक ड्यूरिंग माई ड्रीम्स एंड मुझे प्रमोनिशंस हो रहे थे इस शादी के बारे में एंड क्लियरली मुझे दिखाया जा रहा था कि हाउ हिज मदर इज प्रिपेरिंग फॉर हिज मैरिज मैं भी ट्विन फ्लेम टेम्पलेट के लिए हील नहीं थी अपनी थ्री डी कॉन्शियसनेस में थी एंड वेन ही गॉट मैरिड आई स्टार्टेड बिहेविंग द सेम वे आई स्टिल रिमेम्बर द इंसिडेंट्स कि आफ्टर हिज मैरिज वन डे ही कॉल्ड मी एंड जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं फोन मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि माई वाइफ इज कमिंग एंड दैट वॉज really a big shock to me. By hearing that, like someone else is his wife. It really shook me up. And I decided not to be in touch with him anymore. He again 3D uh, thinking ki now he's married, he's with another woman, mujhe unki ghar nahin bigarna hai, mujhe You know, दूसरी औरत का घर नहीं बिगाड़ना है एंड आई उन्होंने मुझे कई बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की बट आई डेंट रिस मैसेज और कॉल और ये सिलसिला चलता रहा पांच साल तक मैंने उस उन फाइव ईयर्स के दौरान अपने को हर तरह से हर लेवल पर ब्लॉक करने की एंड डाइवर्ट करने की कोशिश की बट वॉट एवर आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम आई वॉज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश बिजनेस और जॉब्स और वॉटवर इट वॉज ऑल फेलिंग आई हैड नो क्लू वाई बट दैट्स वॉट वॉज हैपनिंग फिर 2019 में जब ये सब कुछ चलता रहा और मुझे एक लेवल पे ऐसा लगता था ओ आई गॉट ऑल अबाउट हिम बिकॉज आई ऑक्यूपाइड माई माइंड इन अदर प्लेसेस लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था 2019 में फिर से बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हुए कि मुझे इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ा एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर Some kind of a healing work that how I heal myself because there was so much of pain I was pressing inside me. During those five years of uh, of separation, Mira inner work chalu tha, inner work at my personal level, you know, Mirajubi Ascension. पर्सनल एसेंशन का जो भी काम था वो हो रहा था दैट आई डेंट स्टॉप लेकिन नॉट स्पेशली हाउ वी वर्क फॉर टू इन फ्लेम जर्नी टू हील दिस लाइफ लेकिन जब 2019 में इसकी स्टार्टिंग हुई Now I was understanding what is this journey all about, what is the mission of this journey? Or two thousand and twenty one may hum a union may I after my union, and little before that, actually, muje, ye guidance mil rahi thi, at my personal level also. माई मास्टर्स माई गाइड्स आई वॉज कनेक्टिंग विद और इवन बाहर से कि अब मुझे uh, इस प्रोसेस को जिस तरह से मैंने हील किया है खुद को या जिस तरह से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको और लोगों के साथ भी शेयर करना है एंड देट इज वाई इन 2021 थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन और 22, टू आई थिंक ये ट्वेंटी आई स्टार्टड कनेक्टिंग विद यू ऑल और जब मैंने आप लोगों के साथ भी क्लोजली कनेक्ट करना शुरू किया तो मैंने इस पैटर्न को देखा कि डिवाइन मैस्किलन आर गेटिंग मैरिड अंडर देअ फैमिली प्रेशर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम मदर being a fam a feminine, I have this opportunity to be mother. So it's very important to understand the dynamics between mother and children. क्योंकि जो mother है वो अपने बच्चों की parenting में एक बहुत बड़ा role play करती है, जो हर लेवल पे होता है इमोशनल मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल और वो अपने बच्चे की हर ज़रूरतों को पूरा करती है बड़ी पेशेंस के साथ नर्चर करती है उसका ध्यान रखती है उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है यहाँ तक सब ठीक है लेकिन अब क्योंकि हम एक ऐसे पाथ पर हैं जहां हमें ट्रूथ को पहचानना है तो हमें इस डायनेमिक को भी डिवाइन लाइट से देखना होगा यही वो ट्रिक है या टेम्पलेट है जो थ्री डी कॉन्शियसनेस में है और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहां पर मदर अपने बच्चे को एक प्रॉपर्टी की तरह ले लेती है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हक उसका है शी बिकम वेरी इनसिक्योर्ड एंड मैनिपुलेट जो उसका लव है अपने बच्चों के लिए दैट कम्स विथ लॉट्स ऑफ अटैचमेंट एंड थ्री डी कॉन्शियसनेस और यही वजह है कि आज मुझे यह गाइडेंस मिली कि यह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं आप में से बहुत लोग मदरहुड में होंगे उनको यह समझना है कि आप किसी भी सोल के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते चाहे वो आपके साथ किसी भी रिश्ते में हों आपका उसके साथ कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है इसीलिए आपना आपने यू नो यू फैसिलिएटेड दैट पर्सन बर्थ बायोलॉजिकली ऑन दिस मदर अर्थ लेकिन एवरी सोल हैज इंडिपेंडेंट जर्नी उनके जो रियल फादर और मदर हैं दैट इज डिवाइन फादर डिवाइन मदर गॉड जस्ट प्लेड अ रोल देयर जो आपको अनकंडीशनल होकर पूरा करना है डोंट लेट योर सेल्फ गेट अटैच टू दिस रोल और आप किसी दूसरी सोल की जर्नी को कंट्रोल नहीं करेंगे या कर करने का आपको अधिकार है in any way possible. and yes, i have, i think i had gone through so many situations in my life during this uh, journey, probably because uh, i was prepared to, you know, share with you all. ई वॉज जस्ट यू नो बिजी डूइंग अ प्रिंगिंग ऑफ माई सन्स आई हैव टू सन्स तो लाइक अ सिंगल मॉम हर चीज के बारे में फिक्र करना उनकी लाइफ चलाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है ये मेरी सोच थी उनके लिए क्या गलत है क्या सही है ये मुझे डिसाइड करना है and this was bringing lots of attachment and with attachment the packages miseries sufferings और ये miseries और suffering एक mother ऐसे समझती है कि ये उनके gifts हैं ये उनका अधिकार है and this is all okay no my dear friends this is not all okay

उसके फ्यूचर के बारे में उसके प्रेजेंट के बारे में उसे क्या करना है उसकी क्या जरूरतें हैं इज नॉट गोइंग टू बी अराउंड बट स्टिल आई डेंट स्टॉप द सेम थिंग आई वॉज आई स्टार्ट डूइंग विथ माई सन अब क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही बेटर पास्ट एक्सपीरियंस भी था डे एंड नाइट आई यूस्ट टू वरी अबाउट हिम आई यूस्ट टू थिंक ऑल द बैड थिंग्स आई कुड एवर इमेजिन मैं ये भूल गई कि ही ऑल्सो हैज लॉस्ड अ सोल एज इज ब्रदर और उसका अपना तरीका है अपने इमोशंस के साथ डील करने का यूज टू गो आउट काफी जो भी बाहर जाते थे या जो भी यू नो हावेवर ही वॉज डीलिंग विद एंड आई वॉज ट्राइंग टू चेंज हिम फॉर हिज गुड दैट्स वॉट आई थिंक और एक दिन ऐसा आया कि जब यू you नो know, आप सब लोगों ने ये महसूस किया होगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है वेन वी से इनफ़ इज इनफ़ जब वो बाहर होता था तो मैं डरती रहती थी कि कोई गलत खबर ना आ जाए और मुझे एक दिन आई जस्ट सेट इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड आई सेट इट्स इनफ़ आई टेक एनी मोर सफरिंग और मुझे आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये क्या है ये क्या रिश्ता है तो मुझे ये गाइडेंस मिली कि इन्वॉल्व इन द प्रोसेस नॉट इन द मिजरीज कहने का मतलब ये था कि जो भी एक बच्चे को रेयरिंग में उनको उनके पालने पोषने में जो भी करना है वो करें लेकिन विदाउट अटैचमेंट दैट सोल इज नॉट योर प्रॉपर्टी एंड आई सरेंडर दैट डे आई से डोके गॉड आई एम सरेंडरिंग ऑल माय सफरिंग्स एंड मिजरीज टू यू आई सरेंडर द नीड ऑफ सफरिंग एंड सरप्राइजिंगली जैसे ही मेरा इनर बींग क्लियर हुआ इस टेम्पलेट से मैंने देखा कि जो मेरा अटैचमेंट है दैट डिजॉल्व आई स्टार्ट इट टेकिंग हिम एज अनदर सोल हु हैज हिज ओन जर्नी हिज बिहेवियर चेंज्ड डसली सो दैट वॉज समथिंग इन मी विच आई ही तो ये मैसेज मैं उन डिवाइन फैमिनंस के साथ शेयर करना चाह रही हूं जो अभी मदरहुड एक्सपीरियंस कर रही हैं और बहुत सारी डिवाइन फैमिनंस अभी अनमेरिड हैं उनके लिए भी मेरे पास कुछ है शेयर करने के लिए मैं वहां देख रही हूं कि आप अपने आप को इस डिलीमा में फंसा हुआ पा रहे हैं कि हमारी एक एज है हमें शादी करनी है हमारा डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो दूसरी शादी में जा रहा है या वो हमें प्रॉमिस नहीं दे पा रहा है तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी and here is the catch जब तक आप इस रिलेशन को भी अनकंडीशनल लव की तरह नहीं देखेंगे जब तक आप इस परेशानी में जूझते रहेंगे कि आपके अपने बच्चे ही जब तक आप अपने बायोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहेंगे आप अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जिस दिन आपने अपने अंदर इस मदरहुड का चाहे आप मैरिड हैं या नहीं हैं इस टेम्पलेट को हील कर लिया दैट यू आर only facilitating the process of birth for a soul and helping that soul jab tak wo apni maturity में नहीं आ जाती तो look after himself or herself giving उनको जो कुछ चाहिए वो प्रोवाइड करने में जब तक आपका ये टेम्पलेट अनकंडीशनल नहीं होगा तब तक आप इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे कि आपको शादी करनी है आपको बच्चे करने हैं अब अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको किसी और शादी में जाना है अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बच्चे हैं तो वो वहां से कैसे निकलेंगे आपको ये समझना पड़ेगा every soul is your child who needs your nurturing caring regardless what age regardless kiski kok se wo paida you have to heal this template on mother earth with the energy of divine mother earth Unke liye हम सब बच्चे हैं शी इज नर्चरिंग अस अनकंडीशनली एंड दैट्स वॉट यू हैव टू बिकम इट्स अ वेरी डीप थिंक। आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये बात को और जिस दिन आप इस चीज को समझ गए कि आपका क्या रोल है इस सोसाइटी में फ्री योर सेल्फ फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ योर फिजिकल बॉडी कनेक्ट विद एवरीथिंग विद योर हायर कॉन्शियसनेस आपकी ये जो परेशानी है कि आपको एक एज है आपकी जिसमें आपको शादी करनी है एक एज है जिसमें आपको बच्चे पैदा करने हैं एक क्या होगा अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी और शादी के साथ बच्चे पैदा करती है It doesn't matter. And when you heal this template, my dear Divine Feminines, you will heal for generations because you are going to heal your DNA and the DNA of coming generations. So please.

It will come with lots of attachment and lots of expectation. You will be beyond. Whereas, you have to change this. That's your sole mission to create a better social structure, to change the

हर एक उस बच्चे को हर एक उस सोल को अपने डिवाइन फादर और डिवाइन मदर की संतान के रूप में देख पाएंगे एंड दैट इज अनकंडीशनल हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को इस प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा सो प्लीज थिंक अबाउट इट and work towards it if there's any question you can send me on my email here in inbox and if there any suggestion that too you can share here so i thought it's very important to share with you all this because it's huge and it's very important and इट इज द नीड ऑफ एन आर टू एड्रेस दिस इश्यू थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जो भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि यहां से आपको कुछ भी ऐसा सीखने को मिल रहा है जो इम्पोर्टेंट है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स एज वेल लुक आफ्टर योर सेल्फ हील योर सेल्फ देट्स वाव वी आर ही जितना हम खुद को हील करेंगे उतना हम मदर अर्थ को हील कर पाएंगे